जम्मू कश्मीर में बीते कुछ दिनों से आतंकी सक्रिय हो गए हैं और एक के बाद एक कश्मीरी पंडितों, हिंदुओं और अप्रवासियों की वहां लगातार हत्या कर रहे हैं। इसके चलते सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहा है और इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था वहां पर काफी कड़ी की है। सुरक्षा बल कई संवेदनशील इलाकों में लगातार सर्च अभियान चला रहे हैं। इस पूरे हालात पर अब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का बयान सामने आया है। मनोज सिन्हा ने कश्मीरी आवाम से अपील की है कि वो इस तरह से हो रहे टारगेट किलिंग के खिलाफ आवाज उठाएं। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन की और सरकार की ये पॉलिसी रही कि हमारे सुरक्षा बल किसी निर्दोष पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। मैं जानता हूं कि जब दिया बुझता है तो बुझते समय लौ तेज हो जाती है। डेस्परेशन में इस तरह के निर्दोष लोगों पर जो हमला हो रहा है वो प्रेरित करना चाहते हैं सुरक्षा बलों को, इनकी ओर से भी डेस्परेशन में कोई कार्रवाई की जाए। मैं भरोसा देना चाहता हूं जम्मू कश्मीर के लोगों को कि प्रशासन किसी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता। लेकिन ये भी हम कहना चाहते हैं कि आतंकवाद को जिस तरह से निर्दोष लोगों के लिए हथियार बनाया जा रहा है, प्रशासन और सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम मुस्तैदी से करेंगे। मैं यहाँ की आवाम से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों की जितनी निंदा की जाए मैं समझता हूँ कम है। इस काम को आप करिए, यह आपका राष्ट्रीय दायित्व है और मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर में तभी शांति कायम की जा सकती है। यही निवेदन करते हुए अंत में मैं आप सबके प्रति हृदय से साधुवाद करते हुए अपनी बात खत्म करूंगा। एक तरफ चेतावनी है तो दूसरी तरफ ताबड़तोड़ कार्रवाई भी आतंकियों के खिलाफ जारी है। 17 राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस को अपने संयुक्त अभियान के दौरान एक बड़ी सफलता मिली। उन्होंने आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी को जिंदा दबोच लिया। आतंकी की पहचान तालिब हुसैन गुर्जर के तौर पर हुई है। ये किश्तवाड़ के नागसैनी तहसील के राजगवारी का रहने वाला है। वहीं इससे पहले अनंतनाग जिले में प्रतिबंधित आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का एक कमांडर सुरक्षा बलों के साथ हुए मुठभेड़ में मारा गया। उस आतंकी के पास से AK-47 राइफल समेत कई अन्य हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं। जिस तरीके से लगातार कश्मीर के अंदर टारगेट किलिंग हो रही है उसको लेकर लगातार पूरे देश में आवाज उठ रही है। ऐसे में अब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने कश्मीर के रहने वालों से अपील की है कि वो इसके खिलाफ खुलकर बोले ताकि इस तरह के कायरतापूर्ण हमलों करने वालों के खिलाफ एक बड़ा संयुक्त माहौल बनाया जा सके।